नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पांच की आंच, मैं हूं अपर्णा मौजम और आज बात पीएम मोदी के ध्यान की, जिस पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के मेडिटेशन से आपत्ति है और उसकी शिकायत भी विपक्ष की ओर से कर दी गई है। चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाने हैं, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की साधना से विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, अगर उनका दौरा होता है तो मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप है कि 30 मई की शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वोटिंग साइलेंट पीरियड होगा, ऐसे में पीएम के ध्यान को टेलीकास्ट करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पीएम के मेडिटेशन पर बवाल। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। मैं कह रही हूँ ये लोग भोकला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। पीएम का ध्यान, विपक्ष क्यों परेशान? आज ध्यान से इन्हें आपत्ति है, तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। कांग्रेस को आपत्ति, चुनाव आयोग से शिकायत। चुनाव में शुरू हुआ नया घमासान। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार किया है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक है, विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पीएम मोदी की साधना पर सियासत तेज हो गई है। उधर लक्ष्मण सिंह की पोस्ट का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, आज ध्यान से आपत्ति है। जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त हो रही है, उसी तरह ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। लक्ष्मण सिंह का स्वागत है, कम से कम कुछ विषयों पर तो वो राष्ट्र और सनातनियों के साथ खड़े हुए हैं। ध्यान से इन्हें आपत्ति है, तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। मैं लक्ष्मण जी का स्वागत करता हूं, कम से कम कुछ विषयों पर तो वो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी की साधना पर खूब सियासत हो रही है। विपक्ष को साधना से आपत्ति है, कांग्रेस से लेकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, लालू यादव के लाल, तेजस्वी, सबको पीएम के ध्यान से आपत्ति है। विपक्ष इसको प्रचार का साधन बता रहा है। इसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। कुल मिलाकर पीएम के ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए।
विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है मैं समझती हूँ, तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, दो दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पीएम मोदी से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी साधना लगा चुके हैं, कर चुके हैं। इस बार पीएम मोदी ने कन्याकुमारी को ही क्यों चुना है, ये अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कन्याकुमारी को चुनने के पीछे वजह क्या है। इससे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में याद होगा आपको 2019 में ध्यान लगाया था पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा साधना नहीं बल्कि चुनावी कैंपेन है, ये कहकर विपक्ष अपना ऐतराज जता रहा है, विपक्ष आपत्ति कर रहा है इस बात को लेकर। ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग से पहले आज शाम तक प्रचार खत्म हो जाना है, तो ऐसे में दौरा होता है तो मीडिया कवरेज नहीं होना चाहिए, विपक्ष का ये कहना है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है, ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर कर चुकी है। सुर्खियों में बनाए रखने की रणनीति है ये, सुर्खियों में बने रहे पीएम, यही रणनीति बीजेपी की है। एसपी नेता डिंपल यादव ने भी सवाल उठाया कि आप घर में भी ध्यान लगा सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और अगर आप पहाड़ों में भी या कहीं और जगह करना चाहते हैं तो उसका प्रचार नहीं होना चाहिए, ये कहकर डिंपल यादव ने सवाल उठाए थे। आपने वो बाइट भी सुनी थी और विपक्ष की आपत्ति आपने जान ली। अब कन्याकुमारी को क्यों चुना गया है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऐतिहासिक जगह है, जो ये रॉक मेमोरियल है विवेकानंद वो एक ऐतिहासिक जगह है, इसकी इसका अपना एक रेलेवेंस है। 24 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे, स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। देश का भ्रमण करने के बाद, देश के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण करने के बाद विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर 3 दिन तक ध्यान किया था, जी हाँ, तभी से रॉक मेमोरियल का नाम दिया गया है। ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। भारत का अतीत कैसा रहा, आज कैसा, आने वाला कल कैसा होगा, विवेकानंद ने एक भारत विकसित भारत का सपना देखा था। भारत का जो दक्षिण छोर है वो धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई ये जगह है, ये जो भारत का दक्षिणी छोर है, माँ पार्वती ने यहाँ भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी, ये इसकी धार्मिक मान्यता है। यहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं, इस जगह पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का ये एक मिलन बिंदु है, इसीलिए इसका अपना एक रेलेवेंस है और यही वजह है कि इसको लेकर चुना गया और अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बढ़ते आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के सागर में दलित की हत्या और उसके बाद लड़की की एम्बुलेंस से गिरकर हुई मौत के मामले की, जो गर्मा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में दलित होना गुनाह हो गया है। सागर मामले में दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, ये वीडियो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह इसमें नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भूपेंद्र सिंह पर पीड़ित परिवार को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप इस वीडियो के जरिए लगाया है। वीडियो शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित और उसके काका को समझौता कराने के लिए अपने निवास खुरई बुलाया। दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं कि भूपेंद्र सिंह ने दबंगई और फिल्मी अंदाज में यहां पीड़ित और उसके चाचा को समझाया है। ये वीडियो जो आप एक विंडो में देख रहे हैं, इस वीडियो में भूपेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो को शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि दबंगई दिखाते हुए फिल्मी अंदाज में पीड़ित परिवार को समझाते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह। और अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसको दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और आरोप लगाया है। गिरा सकते जब अति तब बिल्कुल किसी का भी गिरा सकते, वो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाहीं वैसी धारा रख गई,
अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अपन 10,000 रुपये और नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी। यह घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती है। उधर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर लगाए गए दिग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि अप्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए वो दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह के वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, इस पर सिर्फ कांग्रेस राजनीति कर रही है। प्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए एक दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं। वे स्वयं जवाब दें कि 10 साल की जब उनकी सरकार थी, जब मुलतई में किसानों को भून दिया गया था, तब उनकी संवेदनशीलता कहां थी। और वो तो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकरवाना चाहते हैं, उनके यहां लोग खड़े रहते हैं, वो उनको पानी तक नहीं पूछते। तो ये ज्ञान दिग्विजय सिंह जी देना बंद करें। भूपेंद्र सिंह जी के उस वीडियो में कोई कुछ आपत्तिजनक नहीं है। तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, ज्ञान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, ये कहकर हमलावर हैं कांग्रेस पर। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, वो वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया और जो बीजेपी प्रवक्ता का रिएक्शन आया दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर वो भी हमने दर्शकों को सुनाया। साफ यहां पर जाहिर हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस एमपी सरकार पर हमलावर है, अटैकिंग मोड में आगे दिखाई दे रही है। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से सागर का यह घटनाक्रम पेश आया था और उसके बाद लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और उस वक्त से लेकर अब तक वो लगातार इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं उनका हाथ है। और इसी तारतम्य में उन्होंने आज सुबह ये वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो जो है वो जो लड़की के परिजनों के द्वारा ही बनाया गया, जब वह उनसे मिलने गए थे उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह के द्वारा उनको धमकाने का काम किया गया है। हालांकि वीडियो के बारे में जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वीडियो में किसी तरह की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, न धमकाने जैसी कोई बात की जा रही है, क्योंकि पीड़ित के घर पर पहले किसी की मौत हुई थी और उसके बाद उनको समझाइश देने के लिए वहां पर उनके घर पर बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से कल चाहे जीतू पटवारी की बात हो या उमंग सिंघार की बात हो, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर हमलावर हैं कि सागर में जो हुआ उसके पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कल जिस तरीके से बीजेपी के विधायक जो है प्रदीप लारिया, उन्होंने राजधानी भोपाल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये स्पष्ट किया था कि 2019 से यह घटनाक्रम शुरू हुआ था और उस समय जो पीड़ित लड़की थी उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी वहां पर बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी वो मामला दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि सामान्य मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। सीधे सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी इस पूरे मामले को कांग्रेस के समय का मामला बता रही हूँ, कह रही है कि कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर पीड़ितों कोई किसी का परिवार में किसी तरह की कोई मृत्यु हुई है, किसी की हत्या हुई है, उनको ढांढस बंधाने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पहुंचे थे, चौकी खुलवाने का भी ऐलान किया और आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एमपी में नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच अभी पूरी भी नहीं हो पाई है। इस बीच अब बीएड और डीएड कॉलेजों की मान्यता का फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिकायत पर एमपी एसटीएफ ने 6 कॉलेज संचालकों के खिलाफ एफआईआर की है। बताया जा रहा है कि इन कॉलेज संचालकों ने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बीएड और डीएड कॉलेज की मान्यता हासिल की थी। कॉलेज संचालकों ने जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता हासिल करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जीवाजी यूनिवर्सिटी के साथ ही एनसीईटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता हासिल की थी। नर्सिंग की जांच हो रही है सीबीआई की, नर्सिंग कॉलेजों में, उन्हीं कॉलेजों में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा बीएड की मान्यता दे दी गई है। उन्हीं कॉलेजों पर, उनमें से कई 6 कॉलेजों पर कल एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई है। कॉलेज संचालकों पर एफआईआर की गई, जो फर्जी दस्तावेज द्वारा दस्तावेज लगाकर जिन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय से बीएड की मान्यता प्राप्त की है। इसके लिए हमने 21 तारीख को हमारे भिंड जिलाध्यक्ष अंकित तोमर जी ने इस दिल्ली सीबीआई को एक लेटर भी लिखा था। मांग करी थी हमने कि जो जितने भी पूरे मध्य प्रदेश के बीएड के कॉलेज हैं जीवाजी से मान्यता प्राप्त, उन सभी कॉलेजों में
जांच होनी चाहिए उन सभी कॉलेजों की जांच होनी चाहिए। अपने जो तीन कॉलेजों के खिलाफ, छह कॉलेजों के खिलाफ जो FIR दर्ज करी है उसमें क्या नाम, जो भी उनके पास साक्ष्य आए होंगे उस हिसाब से उन्होंने किया होगा, लेकिन हमको जब उसकी वो प्रॉपर FIR की कॉपी मिलेगी तो उस आधार पर अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां थी और कॉलेजों ने। अब आपको उन छह कॉलेजों के बारे में बताते हैं जिनके संचालकों पर FIR दर्ज की गई है। दतिया में सेवदा में अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इसके खिलाफ भी संचालक पर FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा अगला कॉलेज है अशोकनगर के मुंगावली में प्राची कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संचालक भी उन छह संचालकों में से एक है जिन पर FIR दर्ज की गई है। सिटी पब्लिक कॉलेज अशोकनगर के शाडोरा में है ये, इसके संचालक पर भी FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा वीरपुर श्योपुर के मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय के संचालक पर भी FIR दर्ज की गई है। और बड़ौदा में प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन वो संचालक हैं जिन पर भी FIR दर्ज की गई है। तो छह संचालकों के खिलाफ बारोवा ग्वालियर में आइडियल कॉलेज के संचालक पर भी FIR दर्ज इस पूरे मामले में की गई है। तो ये छह कॉलेज संचालक हैं और इस मामले की जांच होगी तो जीवाजी यूनिवर्सिटी से मान्यता लेने वाले कई और कॉलेज फर्जी भी निकल सकते हैं। तो ये इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।